नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे कि भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य सबसे ज्यादा चिंता करते हैं वे इस कहानी को अवश्य सुने। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। यह सब देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने वाले को मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं, और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें और अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप यह समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है, और वह कौन सा दुख है और उस दुख का निवारण क्या है, उस दुख का समाधान क्या है। हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह बहुत आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण वह भी लोग मिलते तो वे अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते थे। लेकिन हर कुछ करता नहीं था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल नजर नहीं आ रहा है। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि हर सभी से मुंह छुपाता रहता था, ताकि उससे कोई यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। इसलिए वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी रहने लगा। हरिहर अब बहुत निराश रहने लगा, मानो वह धरती पर बोझ है। इसलिए वह हमेशा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। एक दिन उसके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था, तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। हर अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख न ले, और चुपचाप उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथ ही है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में दुखों को अपना कर गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हो, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। हर छुप छुप कर उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, हर उन महात्मा जी के पास पहुंच गया और कहने लगा, हे महात्मा जी, आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं तो अपने दुखों से ही परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो ऐसा कभी प्रतीत नहीं होता कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है जैसे अब
इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग ये कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। हरिहर की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हरहर ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा जी को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? हरिहर की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा। उन महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा झेली है, लोगों के ताने सहे हैं और जो तकलीफें उठाई है, क्या वो असली दुख नहीं है? आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे अपने नहीं समझ पाए तो ये महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर हरिहर वहां से अपने घर की ओर चला गया। अब हरिहर लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था। वह निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके ही दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपए से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वह बहुत हताश हो चुका था। वह बहुत निराश हो चुका था। हरिहर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। हरिहर ने अपने पिता की बात मानी। हरिहर अब अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पर रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 2 साल के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग हरिहर को पहले नापसंद किया करते थे, वही लोग अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे हरिहर के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हरिहर के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी थी कि उसे अपने व्यापार को और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा और यदि कभी ऐसी जरूरत आ पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार ले लेंगे। हरिहर को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। हरिहर ने सोचा, मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हरिहर के बारे में लोग जान सकेंगे, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। उसने बिना देरी किए, बिना समय को गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने की सोची और वो और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर काफी कर्ज बढ़ चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ तक भी नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसे उसके मित्र कहते थे वैसा ही वह करता चला गया। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को भी और तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। अब उसके मन में केवल एक ही विचार रहता था,
किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसलिए वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता था कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हरिहर के पास नौकर चाकर सभी सुवि सुविधाएं थी, लेकिन इसके बावजूद उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन हरिहर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था, तभी रास्ते में हरिहर को उन महात्मा जी का आश्रम दिखाई पड़ा। यह देखकर वह उन महात्मा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। आज इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पाता हूँ। उसने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हरिहर से बोले, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर बोला, हे महात्मा जी, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। और केवल कोई कर्म करना ही सफलता नहीं है, उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने काम पर डटे रहना चाहिए। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा। मैं इस कार्य में अवश्य ही सफल होकर रहूंगा, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। हर हर की ये बातें सुनकर वह महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास में आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। हरिहर फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अभी यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो तकलीफें अभी तक झेली है क्या वो असली दुख नहीं है। हरिहर के मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह महात्मा जी हरिहर के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंचे। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि इसमें कुछ सिक्के हैं। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोदकर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां मिट्टी में दबा दो। हरिहर ने महात्मा जी की बात मान ली और वह घड़ा मिट्टी में दबा दिया। इतना सब करके हरिहर उन महात्मा जी को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ हरिहर व्यापार में और भी उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा था। और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। हरिहर ने अपने दोस्त से जो कर्ज लिए थे वह कर्ज भी उसे चुकाने थे, लेकिन हरिहर यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय में साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्जा वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब हरिहर को ऐसा एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन हरिहर के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज को लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर हरिहर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते उसके बहुत सारे मित्र और शुभचिंतक बन गए थे।
पर वह सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। वह सड़क पर आ चुका था। एक दिन हरिहर ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत सा कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर हरिहर के पिता ने हरिहर से कहा, बेटा मेरे पास यही एक छोटा सा घर है, अगर यह अभी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे, हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर हरिहर चुपचाप वहां से चला जाता है और मन ही मन वह सोच रहा था कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मेरे पास जो कुछ था वह अब सब कुछ लुट चुका है, मेरा तो सब कुछ अब बर्बाद हो चुका है, भला अब मैं जीकर क्या करूँगा। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्ज से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। और यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंच जाता है। वह पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था तभी उसे याद आया कि उन महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर हरिहर के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। हरिहर दौड़ता हुआ उन महात्मा जी के पास पहुंच गया और हरिहर ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह महात्मा जी हरिहर की बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन महात्मा जी के मुख से यह सुनकर हरिहर के सब्र का बांध टूट गया और हरिहर ने उन महात्मा जी से कहा, क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है और जो भी तकलीफ झेली है, क्या ये दुख नहीं है, क्या इसे दुख नहीं कहते। तभी वह महात्मा हरिहर से कहते हैं, बेटा पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। इसका जवाब देते हुए हरिहर उन महात्मा जी से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही सीखा कि जो लोग अपनी तरक्की में तुम्हारे पीछा करते हैं वह लोग अवश्य ही तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले हैं बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा बिल्कुल मत करो, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहेंगे, और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। हरिहर की यह सारी बातें सुनकर महात्मा जी उसे उस घड़े के पास ले गए जहां उस घड़े को उन्होंने मिट्टी में दबाया था। उन्होंने गड्ढा खोदा, वह घड़ा हरिहर के हाथ में थमा दिया और महात्मा जी ने हरिहर से कहा, यह लो अभी इससे तुम अपना काम चलाओ और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। हरिहर महात्मा जी की बातें सुनकर बड़ी अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथों में पकड़े उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्रों का वह कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। यही सोचते हुए हरिहर ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। हरिहर ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था लेकिन अब की बार हरिहर बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह बड़ा आदमी बन गया, लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था क्योंकि इस बार
उसने कोई लालच नहीं किया था, न ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा था, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया था। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन्न होने लगता है, और वह डर है आपकी दौलत को ना खो देने का, जिस कारण आप लोग दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कोई कभी भी दुख ना आए। लेकिन यह आपके जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को दुख और सुख से गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से हरिहर के जीवन में एक और दुख का आगमन हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। हरिहर अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। हरिहर का मन अब बहुत बेचैन होने लगा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली समय महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन महात्मा जी की याद आई। वह तुरंत ही भागा भागा उन महात्मा जी के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन महात्मा जी ने हरिहर से पूछा, क्या बात है बेटा, कोई फिर से दुख आ पड़ा है? तभी हरिहर ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, यह तो जीवन है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया है और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। यह किसी को नहीं पता, हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए। हरिहर कहता है, मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो कुछ करना चाहता हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। महात्मा जी कहते हैं, मृत्यु कभी किसी को उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। सारी बातें सुनकर हरिहर और भी ज़्यादा बेचैन हो जाता है और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके मन का वह खालीपन अभी भी वैसा ही था। हरिहर अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करने लगता तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? जीवन का असली मतलब क्या है, उसने कई विद्वान से पूछा और अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन में बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन महात्मा जी की याद आई। हरिहर फिर से उन महात्मा जी के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है, जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वह कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी हरिहर उन महात्मा जी से कहता है, हे महात्मा जी, आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, हम सबके अंदर का क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जी जाते हैं
और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल कर, एक पल के लिए मुड़ कर अपने आप को देख सकें और अपने आप को समझ सकें कि वास्तविकता में हर कोई अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह दुख है ही नहीं। तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं और अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी तरह हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, तब हमें लगता है कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा है। तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है, वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो पहले अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने मत दो। तभी हरिहर उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, क्या फिर हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए। हमें ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती है जैसे मानो कि वह पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती है और यदि तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हो। महात्मा जी की ये सभी बातें सुनकर हरिहर ने महात्मा जी से कहा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का निदान कर दिया है। तो मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।